सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जो है हम हिमांशु सिंह, प्रवक्ता नवजीवनी इंटर कॉलेज पटेरवा कुशीनगर, कक्षा 10 विषय हिंदी, उप विषय काव्य, शीर्षक धनुष भंग, रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। देखे गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास का शीर्षक धनुष भंग हमें पढ़ना है। यार बच्चों, बात यह है कि ये राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास की रचना, जो रामचरितमानस से अवतरित है, संकलित है, यह सीता स्वयंवर बालकांड से लिया गया है, जो जिसमें भगवान श्री राम सीता को वरण करने के लिए शिव धनुष तोड़ते हैं। आइए, जिस कवि के शीर्षक को हम पढ़ रहे हैं, उस कवि की जीवन परिचय के बारे में जानें। कवि गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1554 विक्रमी और 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस पर एक दोहा है कि 1554 विषे कालिंदी के तीर, अश्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो शरीर, तुलसी धरयो शरीर। देखिए, इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था और इनके पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी के यह मूल नक्षत्र में पैदा हुए और पैदा होते ही इनके दो दांत उगे हुए थे और इन्होंने राम का नाम बोला, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा, राम बोला पड़ा। जैसे कि राम बोला, उसके बाद यह कहा कि सुरतिया नरतिया, सुरतिया नागतिया, नरतिया हो अगोद लिए हुलसी, फिर तुलसी सो सुत हो। देखिए, ये तुलसीदास माता हुलसी के गोद में पैदा हुए। कुछ दिनों के बाद माता की साया उनसे हट गई और तब तक उनका पालन उनके पिता आत्माराम दुबे कर रहे थे। तो कुछ दिनों बाद आत्माराम दुबे भी चल बसे और जब यह इनकी एक मौसी थी, वे इनका पालन पोषण करने लगी, वे भी चल बसी। फिर यह अपने गुरु बाबा नरहरिदास, इनके गुरु जो बाबा नरहरिदास हैं, उनके सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और किशोरावस्था में इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रतनावली से हुई। गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना जब कर रहे थे, वह रतनावली जो है उनकी पत्नी थी। एक दिन वह मायके चली गई, तुलसीदास आए, देखे कि हमारी पत्नी नहीं है, चल दिए और नदी में तैरता हुआ उस लाश को उन्होंने नाव समझा और नदी पार कर गए। और उसके बाद वहाँ सर्प लटका हुआ था, उसको रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए और नीचे आकर जहाँ रत्नावली उनकी पत्नी सोई हुई थी वहाँ आए और उसके जो है सेज पर अपने पैर को रखते हुए बोले, रत्ना, तब तक वह जगी और बोली कि लाजन लागत आपको, दौरे आय हूँ साथ,
दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूँ हे नाथ। अस्ति चरम देह ममता में ऐसी प्रीत हो से राम महा तो होत भव भी। जो है उन्होंने कहा कि आपको लज्जा नहीं आई, आप दौड़े हुए पीछे चले आए। अगर इतना प्रेम आप उस भगवान श्री रामचंद्र से करते तो जो है आप का जो आप भवसागर पार कर जाते। इस पर पत्नी की इस बात को सुनकर गोस्वामी जी अयोध्या चले गए। गोस्वामी जी अयोध्या चले गए और अयोध्या से जो है वहाँ निर्देश से नारायण के निर्देश से वे चित्रकूट गए। और चित्रकूट जाते ही वह चंदन घिस रहे थे तो उस पर कहा गया कि चित्रकूट की घाट पर लगी संतन की भीड़। चित्रकूट की घाट पर लगी संतन की भीड़, अचंदन घिसत तुलसी तिलक देत रघुबीर। देखिए वहाँ से वाराणसी आए और रामचरितमानस की रचना की। भाषा ब्रज तथा अवधि शैली प्रबंध थी इनकी जो है, और प्रबंध व मुक्तक भी थे। शैली प्रबंध व मुक्तक क्योंकि कवितावली गीतावली दोहावली आदि में मुक्तक छंद रहे और रामचरितमानस प्रबंध शैली में लिखा गया। छंद दोहा चौपाई कवि सवैया पद आदि इनके छंद रहे। रचनाएं रामचरितमानस जानकी मंगल पार्वती मंगल राम लला नहछु वैरव रामायण दोहावली कवितावली गीतावली विनय पत्रिका हनुमान बाहु का आदि। और इनके मृत्यु पर भी एक दोहा प्रचलित है, कहा गया कि संबत 1680 असी गंग के तीर अश्रावण शुक्ला तीज सनी तुलसी तजो शरीर। इन तुलसीदास का मृत्यु 1680 विक्रमी और 1623 ईस्वी में हुआ था। ये जो है हिंदी साहित्य के लोकनायक कवि कहे जाते हैं, लोकनायक कवि कहे गए हैं क्योंकि यह भगवान राम की कथा को वर्णित किया इन्होंने। जैसे हम आज पढ़ेंगे धनुष भंग, जिसमें गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए मंत्र पर प्रकट होते हैं और मंच पर प्रकट होते हैं। वहाँ उपस्थित सज्जनों संतजनों और अयोध्या वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वे सभी उनकी विजय की कामना करने लगे। श्री राम की शक्ति के प्रति रानी सुनैना के मन में उत्पन्न संदेह को उनकी सखी दूर करती है और श्री राम सीता जी को मनोभावों से जान लेने में वे गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके धनुष भंग कर देते हैं। चतुर्दिक उनकी जय जयकार होने लगती है। और जो है इन्हीं बातों से का वर्णन इस धनुष भंग में किया गया है। देखिए प्रथम दोहा यह है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सभा हर से लोचन वृंग।
उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सभा हर से लोचन वृंग। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदयगिरी जैसे पर्वतों के बीच में भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं, वैसे ही मंच पर यह रघुकुल का सूर्य बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी उदित का उदय हुआ है। जैसे पर्वतों के बीच सूर्य नारायण का उदय होता है, वैसे ही राज्यसभा में उस मंच पर रघुकुल तिलक भगवान बाल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र का उदय हुआ है। अबिकसे संत सरोज सभा हर से लोचन वृंग। और जो संत लोग थे, महात्मा लोग थे, वे कमल की भांति खिल उठे और हर से लोचन भृंग, और उनके आंखें जो हैं उस मनोहर अलौकिक छवि पर जो है भौरे की भांति गुंजार करने लगी, भौरे की भांति जो है गुंजार करने लगी, जो है भृंग मने भौरा, हर से लोचन भृंग, उस भौरे की भांति उनके कमलवत नेत्र जो हैं उन ऋषियों के कमलवत नेत्र गुंजार करने लगे, जो है कहा कि जैसे पर्वतों के बीच भगवान सूर्य उदय हुए हैं, वैसे ही जनकपुर की सभा में सभा के मध्य मंच पर जो है वह रघुकुल तिलक बाल स्वरूप भगवान श्री राम सूर्य के रूप में उदित हुए हैं। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र का उदय हुआ है, सूर्यवंशी राम का उदय हुआ है। बिकसे संत सरोज सभा, और उन संत लोग जो हैं, महात्मा लोग जो हैं, वह कमल की भांति खिल उठे हैं और प्रसन्न चित्त उनके नेत्र जो हैं वह उस छवि पर भौंरे की भांति गुंजार कर रहे हैं। देखिए आपने इस दोहे का की व्याख्या सुनी, अब मैं इनकी चौपाई है। किन पन केरी आसानी सी नासी, बचन नखत अवलिन प्रकाशी, मानी मही पौ कुमुद सकुचाने, अकपटि भूप उलू कालुकाने, अभय विशोक को कमुनि देवा, अभर सहि सुमना जनावै सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुने न सन आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुवर कुंजर गामी, अचलत राम शब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी।
बांदी पितरा सूरा पुम सूरा सुकृत शमारे अजो कुछ पुण्य प्रभाऊ हमारे तौ शिव धनु मृणाल किनाई अतुर राम गणेश गोसाई। देखिए निपन केरी आशा निशनासी वचन नखत अवलिन प्रकाशी। वह राजाओं की आशाएं नष्ट हो गई थी, उन राजाओं की आशाएं नष्ट हो गई थी वचन नखत अवलिन प्रकाशी, और उनकी पक्तियां जो हैं और उनकी बाणी जो हैं वह प्रकाशित नहीं हो रही थी। और मानी महीप कुमुद सकचाने कपटी उलूक भूप उलूक लुकाने, मानो राम रूपी कमल के विकसित होने पर या कुमुदनी रूपी राजा संकोच करने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने या कपटी राजा उल्लू की भांति अपने मुख को छुपाने लगे। अब भय विशोक को कमुनि देवा, और कह रहे हैं कि भय विशोक को कमुनि देवा, और सभी प्रसन्न चित हो गए, देवता मुनि हर्षित हो गए। बरसई सुमन जनाए सेवा, और पुष्प की वर्षा करके जो है अपने धन्यवाद दे रहे हैं और अपनी भक्ति को बता रहे हैं। करें कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अभर राम मुनि न सन आय सुमांगा। अपने गुरु विश्वामित्र की उन्होंने चरण वंदना की, प्रेम सहित उनके चरण वंदना, अपने गुरु की चरण वंदना की। और भगवान रघुकुल तिलक भगवान रामचंद्र ने अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। असहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुवर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और साधारण तरीके से जो है सकल ब्रह्मांड नायक दशरथ नंदन आनंद कंद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रामचंद्र जी जब चले तो लगा मदमस्त मतवाला हाथी चल रहा हो। मदमस्त मतवाला हाथी की भांति वह चलने लगे। और चलत राम शब पुर नर नारी, अपुलक पूरे तारा भय सुखारी। और भगवान राम को चलते देखकर उस जनकपुर के नर नारी जो है ना, उनके शरीर जो है प्रसन्नता से फूल उठे, प्रसन्नता से फूल उठे, वे पुष्प की भांति खिल उठे और प्रसन्न चित्त हो गए। अबंदी पीतार सूरा सुकृते समारे, अजो कुछ पुण्य प्रभाऊ हमारे। और अयोध्या पति और रघुकुल तिलक भगवान राम ने अपने पितरों के यश का गुणगान किया, और जो है बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, और जिनके पूर्वज जो है कि कीर्ति आप कीर्ति को कहते हुए अपने पितरों की वंदना करते हुए, और जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, या मेरे पूर्वजों का ही प्रभाव है। अतव शिव धनु मृणाल किनाई, अतो रहु राम गणेश गोसाई। और यह शिव धनु उस सर्प की भांति तीक्ष्ण है, लेकिन वे शिव धनुष तोड़ने के लिए अयोध्या पति भगवान श्री रामचंद्र कुल तिलक भगवान श्री रामचंद्र विघ्नहरण विनायक भगवान गणेश की वंदना करते हैं। आइए देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वह जो कपटी राजा थे वह
राजा जो थे उनके आशाओं का नष्ट हो गया था, उनकी पंक्तियाँ नक्षत्रों की भांति प्रकाशित नहीं हो रही थीं, और मानो राम रूपी कमल के विकसित होने पर यह कुमुदनी रूपी राजा छुप रहे थे, संकोच कर रहे थे, और यह कपटी राजा जो हैं उल्लू की भांति अपने मुख को छुपा रहे थे। और देव और मुनि प्रसन्नचित्त हो गए और भगवान श्री राम पर पुष्प की वर्षा करने लगे, और भगवान रामचंद्र जो हैं रघुकुल नायक रामचंद्र अपने गुरु को प्रेम सहित उनकी चरण वंदना करके अन्य मुनियों से आज्ञा मांगी, और जब वे सहज तरीके से चराचर ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी चलने लगे तो लग रहा था कि मतवाला हाथी चल रहा हो। वैसे चलते देखकर जनकपुर के नर नारी जो हैं वह उनके शरीर पुष्पोत खिल उठे और प्रसन्न हो गए, और भगवान श्री राम ने अपने पितरों की वंदना की, कहा कि इसमें कोई कीर्ति हमारी नहीं है, मेरे पूर्वजों की कीर्ति है। और तब वह मृणाल तीक्ष उस सर्प की भांसी उदरु तोड़ने के लिए उस गौरी पुत्र भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना की। प्यारे बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।